सेव द किंग इन मिनी मिलिशिया। तो गाइस यार अभी बहुत सारे बंदों के माइंड में आ रहा होगा, बिस्सू भाई ने ये क्या नया नमूना ला दिया, सेव द किंग ये कौन सा चीज है मिनी मिलिशिया के अंदर। तो गाइस यार मैं बता देना चाहता हूँ, सेव द किंग एक गेम खेलने वाले हैं और हम सब मिल करके खेलने वाले हैं। ऐसा नहीं कि मैं अकेले खेलूंगा, मैं आप लोग के साथ खेलूंगा। तो गाइस यार इस बार जो संडे को मैं स्ट्रीम करूंगा उसमें हम लोग खेलेंगे सेव द किंग। सेव द किंग का मैं पूरा डिटेल बता देता हूँ, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, सब कुछ बता देता हूँ। उससे पहले भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और संडे को भाई जरूर आना। तो गाइस यार मैं बता देना चाहता हूँ, सेव द किंग में मैं किंग बनने वाला हूँ और हम लोग खेलेंगे भाई टीडीएम मैच। जैसे हम लोग नॉर्मली स्ट्रीम करते हैं, कस्टम कोड देते हैं, कस्टम में बंदे आते हैं, मैचेस होता है, वैसे ही सेम टू सेम इस बार भी होगा। लेकिन यार मैच हमेशा लगेगा टीडीएम। टीडीएम लगाने के बाद मैं कस्टम कोड दूंगा, बंदे रैंडमली कस्टम में आएंगे, जो भी दो बंदे मेरी टीम में आएंगे वो दोनों बंदे बनेंगे मेरे बॉडीगार्ड। उनको मेरे अपोजिट टीम से बचाना होगा। अगर वो तीन मैच लगातार मेरे को बचा लेते हैं अपोजिट टीम से, तो भाई यार उनमें से दो बॉडीगार्ड में से जिस भी बॉडीगार्ड का मेरे सबसे ज्यादा किल होगा, तीनों मैच को मिला करके मैं उसको भाई कम्युनिटी पोस्ट करूंगा, मतलब कि मैं उसको प्रमोट करूंगा। और ऐसा नहीं है कि मेरे जो दो बॉडीगार्ड होंगे वो लगातार मेरे हर मैच में रहेंगे, तीन मैचेस जीतने के बाद मेरे बॉडीगार्ड रैंडमली बदल जाएंगे, फिर वही सेम कैटेगरी चलेगा, मैं नया कस्टम बनाऊंगा, नया टीम कोड दूंगा, फिर नए बॉडीगार्ड्स आएंगे और फिर सेम टू सेम वो मेरे को बचाएंगे। और जिस भी टीम, जिस भी मेरे बॉडीगार्ड का सबसे ज्यादा किल होगा तीनों मैचेस को मिला करके, मैं अगेन नेक्स्ट बंदे को प्रमोट करूंगा। अब बहुत सारे बंदे सोच रहे होंगे कि यार जो मेरे बॉडीगार्ड्स होंगे सिर्फ वही मेरे को बचाएंगे, वही सिर्फ खेलेंगे क्या? नहीं नहीं, मैं भी खेलूंगा भाई, मैं राजा हूं तो मैं अपनी भी सेफ्टी करूंगा, मतलब कि मैं टीम का मेंबर हूं तो भाई टीम में मैं भी हूं तो मैं भी खेलूंगा। तीनों लोग मिल करके मैच को जीतने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं कि भाई मैं दोनों बॉडीगार्ड्स पे ही लोड डाल दूं। तो गाइस यार एक बात और मैं बता देना चाहता हूं, अगर कोई भी बंदा गलती से भी हैक लगा के आएगा और वो पकड़ा गया कि वो हैकर है, तो मैं उसको भाई अपने गेम से हमेशा के लिए बैन कर दूंगा, उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। अगर वो बोलेगा कि भाई नेक्स्ट मैच ले लो, सॉरी यार मैंने कब हैक नहीं करना, तो भाई फिर भी मैं कुछ नहीं सुनूंगा, फर्स्ट बार में ही पकड़ा गया तो मैं उसको बैन कर दूंगा, वो गेम के पूरा बाहर चला जाएगा। तो गाइस यार उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से सारी चीजें समझ गए होंगे, सेव द किंग गेम कैसे खेलना है और रूल्स भी जान चुके हो। अगर भाई कोई भी आप लोग के माइंड में छोटा मोटा कंफ्यूजन होगा कमेंट करके जरूर हमसे पूछ लेना भाई, मैं बता दूंगा। और भाई मेरे को एक बार कमेंट करके जरूर बता देना क्या तुम लोग आ रहे हो, हाँ या ना का मैसेज सिर्फ कर देना कमेंट में, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भाई ये बंदा आ रहा है, मैं उसका वेट भी करूंगा। तो गाइस यार अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हो तो जाकर के अभी कर लो। मिलते हैं हम लोग संडे को, अभी के लिए बाय बाय।